समाज को बेहतर बनाने की दिशा में एक प्रयोग गांधी जी किया करते थे, इंडिविजुअल मोरल करेक्टनेस। व्यक्तिगत रूप से अगर इंसान बेहतर होता जाए, अपने आप को शुद्ध करता रहे, तो पूरा समाज बेहतर बन जाएगा, ऐसा एक उनका मानना था। एक दूसरा प्रयोग अरविंद किया करते थे, महर्षि अरविंदो, जिनका आश्रम पौंडिचेरी में है। अरविंद कहा करते थे कि अगर समाज में कुछ थोड़े से लोग भी अगर अपने चेतना को इतनी ऊंचाई तक उठा सके, तो वो लोग सबको कैरी कर सकते हैं, पूरे एग्जिस्टेंस को, समाज को, चेतना को इतनी ऊपर उठा सकते हैं कि समाज में एक आध्यात्मिक लहर फैल सकती है और समाज एक बेहतर समाज बनता जाएगा। दो अलग अलग अपने तरीके हैं, लेकिन इस वक्त मैं सोचता हूँ कि ये जो दौर है, जो कोरोना वायरस का, लॉकडाउन का, और काफ़ी लंबा भी जा सकता है, इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमें दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता है, दोनों मार्गों की आवश्यकता है। हम कितने भी बिजी हों लॉकडाउन में, घर का काम करते हो, कुछ नए कोर्सेज पढ़ाई कर रहे हो, कुछ नए आर्ट सीख रहे हो, थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमें ज़रूर आत्मावलोकन भी करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए, और समाज के लिए, विश्व के लिए, जगत के लिए, दूसरों के लिए प्रेयर करना चाहिए। इस प्रेयर में ताकत है। प्रेयर दूसरों के लिए जब हम सोचते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से भी भीतर की शक्ति जाग उठती है। तो दो तीन चीज़ें होती है, एक तो इंसान स्ट्रांग होता जाता है जब हम प्रे करते हैं, और उसके भीतर का भय मिटता जाता है, तो व्यक्ति में तो एक ऊर्जा का संचार होता ही है। दूसरा, जब हम दूसरों के लिए प्रे करते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, तो उससे हमारे अंदर भी गुणवत्ता आती है, क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है। प्रेयर डजंट चेंज गॉड, इट चेंजेस इंडिविजुअल। हम किसके आगे झुकते हैं, कहाँ सर झुकाते हैं, ये बात नगण्य है। हमारा झुकना महत्वपूर्ण है, कहाँ पे हम, किस चौखट पे हम प्रार्थना कर रहे हैं, इससे ये बात ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम झुकें, हम समर्पण करें, और किसी भी किसी को, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की को खुद से बेहतर जब हम समझने लगते हैं और अपने आप को डिसॉल्व करते हैं, जब हम, हमारा अहंकार मिटता है, तब हमारे अंदर एक गुणवत्ता, एक चेंज आती है। तो ये वर्शिप डज नॉट चेंज गॉड, वर्शिप चेंजेस यू एज एन इंडिविजुअल। तो जब हम ये प्रार्थना करेंगे हम रोज़ दुनिया के लिए, जगत के कल्याण के लिए, तो हमारे अंदर भी अच्छा होगा और इस ऊर्जा से पूरे विश्व का भी भला होगा। और ये बातें बकवास नहीं है। आपने कभी ख्याल किया हो या नहीं, करीब 2-2.5 हज़ार साल पहले विश्व में एक समय ऐसा था जब पूरे विश्व में ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने विश्व को एक नई चेतना की बुलंदी तक पहुंचा दिया, शिखर पे। उसी वक्त भारत में बुद्ध जैसे लोग हुए, महावीर जैसे लोग हुए, और भी बहुत सारे बुद्ध पुरुष हुए, मखली घोषाल हुआ, संजय बिलठी पुत्र हुआ, प्रबुद्ध कात्यायन हुआ, और वही विश्व ग्रीस में उसी वक्त सोक्रेटिस हुआ, एरिस्टोटल हुआ, प्लेटो हुआ, प्लॉटिनस हुआ, चाइना में लाओत्सु हुए, चुआंगसु हुआ, कन्फ्यूशियस उसी वक्त हुआ। तो इतने सारे लोग, इतने सारे बुद्ध पुरुष, चेतना की ऐसी ऊंचाई को, शिखर को छूने वाले लोग उस दौर में थे। इसीलिए उस दौर में बहुत ही एक स्वर्णिम बदलाव हुआ, एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज था विश्व के लिए। आज वही दौर हम ला सकते हैं अगर हम में से हर कोई लोग अगर थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, दूसरों के बदलाव के लिए, दूसरों के बेहतर के लिए एक ध्यान करें, प्रेयर करें, और विश्व को बेहतर बनाने की दिशा में 5 से 10 मिनट ही सही, कम से कम। हमारे भारत में तो ये इसकी एक परंपरा रही है, जागरण के वक्त से ही शुरू हो जाता था। लोका समस्ता सुखिना भवंतु सर्वे, सुखिना भवंतु सर्वे संतु निरामया, किसी को कोई बीमारी नहीं हो, सब सुखी रहें। तो ये है, ये वह बैटिंग में तो ये है, उसे अब स्पिरिट में उतारने की आवश्यकता है। तो जैसे 2500 साल पहले हुआ, वो दौर हम अभी भी ला सकते हैं। और ये मत भूलिए कि उनके पास
इंटरनेट का माध्यम नहीं था। जब बुद्ध हुए तो केवल 20-30 लोगों को सामने बोल पाए। आज हम और आप जैसे लोग कुछ भी बोलते हैं तो लाखों की भीड़, अनलिमिटेड पीपल जो भी इंटरनेट से हैं, जुड़े हैं, वो सुन सकते हैं। तो ये एक स्वर्णिम दौर है, एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है, इसको हम अपॉर्चुनिटी में बना सकते हैं। तो इस दौर को हम खाली न जाने दें। चर्चिल ने कहा था, नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो वेस्ट। ये बहुत बड़ा क्राइसिस तो है, लेकिन ये कोर्स करेक्टर भी है, और हम इस दौर को कैसे हैंडल करते हैं ये बताएगा कि आने वाला विश्व कैसा होगा। क्योंकि हम वी हैव टू हैंडल दिस फेज ग्रेसफुली। हम इसका जितनी ग्रेसफुली और जितने अच्छे तरीके से मुकाबला भी करते हैं और इससे बेहतर बनकर निकलते हैं, आग से तपकर, हम जैसे कुंदन सोना दमकता है, सोना कुंदन बन के, वैसे हम शाइन कर सकते हैं। तो इस दौर में हम खुद के लिए भी इंट्रोस्पेक्शन करें, कहीं हम बहुत दूर तो नहीं निकल आए अपनी महत्वाकांक्षा में या प्रतिस्पर्धा में, कहीं हम खुद से बहुत दूर तो नहीं चले गए, खुद की तरफ लौटे हैं। ये कोर्स करेक्टर है, एक लेवलर है ये फेज़। और दूसरी तरफ दूसरों के कल्याण के लिए भी हम प्रार्थना करें, क्योंकि इस जगत में हर दो चीज़ लिंक्ड है एक दूसरे से। लगता है ऐसा नहीं, ये बात हास्यास्पद लगती है, लेकिन एक मकड़ी का जाल हिलाने से भी अस्तित्व में उसका असर होता है, कम ही सही, लेकिन हर चीज़, और ये साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मानते हैं, इस जगत में, इस अस्तित्व में एक ऑर्गेनिक यूनिटी है। एवरीथिंग इज लिंक्ड विथ ईच अदर। तो ये हम इस चीज़ को हम सोचें और ध्यान करें, मेडिटेशन करें, प्रार्थना करें हर रोज़, और विश्व को बेहतर बनाने की दिशा में हम कामना करें, और ख़ुद के जीवन में भी बदलाव लाएं, सिंप्लिसिटी की तरफ आगे बढ़ें। और जब ये दौर गुजरे तो हमें इस बात का गर्व हो कि हमने इस दौर से बहुत कुछ सीखा, और हमने इस दौर में विश्व को बेहतर बनाने की दिशा में कई प्रयास किए, और शायद उन सब आज की गई प्रयासों का फल कल हमें जरूर मिले। हम सब लोग कामना करें कि विश्व बेहतर बने, और ये दौर जो है पैंडेमिक का, जल्द से जल्द ख़त्म हो, और हम सब लोग विश्व एक बेहतर विश्व बन सके।